विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं मधुबनी, जो कि आपको बता दें बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है। और कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें, पूरी जानकारी देने वाले, यहाँ का सच्चाई आपको दिखाने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और वीडियोज आपको मिलते रहे। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको बता दें कि 1972 से दरभंगा जिले से विभाजन होकर बना हुआ था, और अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा, कल्चर का पेंटिंग हो या फिर और जो भी चीज़ें हैं वो पूरा। यहाँ का रेलवे स्टेशन जंक्शन की बात करें अगर हम, तो रेलवे जंक्शन जब भी आप जाते हैं मधुबनी जिले का, तो यहाँ जो स्टेशन चौक मधुबनी में ये स्थित है, और यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है, 4 जो है ट्रैक अभी और भी बन रहे हैं, और 7 प्लेटफॉर्म में लगातार जो है अलग अलग ट्रेनें आती है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप सर्वप्रथम यहाँ पे इन करेंगे तो, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से चलती है। पार्किंग की व्यवस्था जस्ट आपको स्टेशन के बाहर में मिल जाता है। स्टेशन कोड की बात करें अगर हम, MBI है, 1902 ईस्वी में इसे ओपन किया गया था, और इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन है। 2,00,000 जो है पैसेंजर हर रोज यहाँ से बोर्ड करते हैं, यहाँ से डिपार्चर करते हैं, साथ साथ में अराइवर होता है। तो ये मधुबनी का पूरा जंक्शन है। देखिए बहुत ही बड़े क्षेत्र में यहाँ पे आपको स्टेशन मास्टर का एक काउंटर मिल जाएगा। दूसरी ओर आपको अगर एग्जिट पॉइंट देखें तो ये है, जो कि बाहर का लोकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो है, जैसे आप बाहर निकलेंगे, यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ लगी हुई, ये ऑटोज वगैरह, इन ऑटो के माध्यम से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कहीं भी आपको जाना है तो उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाहर में फल फ्रूट्स खाने पीने के सामान, होटल जो है वो आपको रेडी वगैरह लगा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पे आप खाना पीना आराम से कम्फर्ट होके खा सकते हैं, देन आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही आप इन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कल्चरल टाइप से बनाया गया है, इसे निखारा गया है और ब्यूटीफुल बनाया गया है। इसके साथ साथ में अगर आप अंदर की लोकेशन में बात करें तो यहाँ पे आपको रेलवे पुलिस का काउंटर मिल जाता है, पार्किंग की व्यवस्था मिल जाती है, साथ साथ में यहाँ पे ATM का सुविधा मिल जाता है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे रूम मिल जाता है, AC नॉन AC दोनों, और जो है वेटिंग रूम भी आपको मिल जाता है। AC में अगर आप रुकना चाहें तो AC में आप रुक के वेट कर सकते हैं, जब आपकी ट्रेनें होंगी तब आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, और नॉन AC भी आपको यहाँ पे वेटिंग रूम मिल जाता है। तो ये दोनों सुविधाएँ आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी जंक्शन में मिलता है, जो कि मधुबनी जब भी लोग जाते हैं तो इसी जगह पे उतरते हैं, देन यहाँ से जाते हैं। यहीं के बगल में आपको बस स्टैंड मिल जाता है, जहाँ से बस वगैरह लेके और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको बता दें, हावड़ा और फिर कोलकाता वगैरह जाना हो या फिर और भी जगह, उन सभी जगह के लिए यहीं पर जो है गाड़ियाँ आती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया मधुबनी रेलवे स्टेशन जंक्शन को, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में मिलता है ये, और समस्तीपुर डिवीजन में पड़ता है। तो यहाँ से आपको कहीं पे भी जा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से निखारा गया है, जो कि आप यहाँ पे घरेलू चित्रकला से जो है वो देख सकते हैं। अलग अलग चित्रकला यहाँ पे बनाया गया है दीवारों में, जो कि मिथिला पेंटिंग कहते हैं इसको, और बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा जब यहाँ पे आप घूमेंगे तो। पूरा जो शहर है वो आपको पेंटिंग से जो है सुंदरता से एक अलग ही आकर्षित करेगा आपको। और ये देखिए ऑटो स्टैंड है, जो कि ऑटो बहुत सारी मिल जाती है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन जंक्शन है। देखिए काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या रहती है जब ट्रेनें आती है, तो इसके साथ साथ में यहाँ से लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो ये पूरा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में। ये पूरा जानकारी था, हमने आपको देने का कोशिश किया कि कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप जा सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं तो फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया, जो कि उसमें भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो ये है कि पेंटिंग का यहाँ पे हर एक जगह पे, पूरा स्टेशन बहुत ही पेंट करके रखा गया, और यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे विदेशी सैलानी भी आते हैं घूमने के लिए, पर्यटन सैलानी। और क्या है यहाँ पे उत्तर जो घूमने के लिए, वो पूरा हम आपको अगले वीडियोज़ में दिखा देंगे। लेकिन ये था रेलवे स्टेशन का पूरा जानकारी। यहीं से रेड लाइट एरिया अगर आपको जाना है तो वहाँ से किसी को भी पूछेंगे बता देगा। तो ये पूरा जानकारी था, कला एवं संस्कृति के लिए माना जाता है मधुबनी, पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चित्रकला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पर्यटन स्थल भी यहाँ पे आप बहुत सारे हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था, आशा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी मधुबनी से हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का और कुछ अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कमेंट में करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जो उसी पर बनाएंगे।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी सुंदर जगह, एक बार आप सबों को यहाँ पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए मिथिला का पेंटिंग और यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर क्या है। थैंक यू।